आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की आज एहतसाब अदालत पेशी। नैब हुकाम ने अदालत से शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड की इस्तदा करेंगे। राहत रिमांड मिलने पर शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के लिए बुरी खबर। डायरेक्टर पैरागॉन कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार। कैसर अमीन भट्ट ने वादा माफ गवाह बनने के लिए नैब को दरखास्त दे दी। कैसर अमीन भट्ट की दरखास्त मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दी गई। पंजाब काबीना का इजलास कल तलब। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सदारत करेंगे। 100 रोजा प्लान पर अमल दरामद का जायजा। ज़राअत, तालीम, इंडस्ट्री, नई लेबर पॉलिसी से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के। शहबाज हुकूमत के मंसूबे पर नई हुकूमत भी अमल पैरा। बरकी, बेदियां और गाजी रोड की तौसी का मंसूबा तैयार। LDA ने मंसूबे KPC-1 की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत का कायदे आजम सोलर मंसूबे के फ्रॉन्सिक ऑडिट का फैसला। स्कूल सोलर मंसूबे की भी फिजिकल तस्दीक के अहकाम जारी। पंजाब काबीना ने कायदे आजम सोलर मंसूबे के ऑडिट की मंजूरी हासिल की जाए। वजीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक। हर तरफ छाया नूर ही नूर, हर तरफ छाया इस महीने की, वाह क्या बात इस महीने की। हुस्न तख्लीक को भी रश्क आया होगा अपने महबूब को जब रब ने बनाया होगा। मुस्ने इंसानियत की आमद का जश्न इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। आशकान रसूल के दरूद व सलाम के नजराने, शहर भर में रैलियां और जुलूस। आकाए दो जहां की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए गए। और मारूफ शायरा, अफसाना निगार और मुतरजम फहमीदा रियाज 72 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मारूफ शायरा कुछ अरसे से कल अलील थीं। फहमीदा रियाज लाहौर में अपनी बेटी के घर पे मौकिन थी।